थे जिनके प्यार को प्यार मिला। हमने तो जब कलियां मांगी कांटों का हार मिला। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। तो क्या मजनू हो गया है मेरा अफजल? आप घबराइए मत अम्मू, आपका अफजल अब सबसे अफजल बनने वाला है। 4 महीने की परफॉर्मेंस ना मुझसे होगी ना इससे। मैं कर लूंगा। क्या कर लोगे? मेरा मतलब है जितनी देर मोहब्बत करने की जरूरत होगी मोहब्बत कर लूंगा, और जब बेवफाई की जरूरत होगी तो कर लूंगा बेवफाई। चाय लो बेटा। यकीनन लंदन जाकर एमफिल करने वाली बात की होगी उसने। जी। जी बिल्कुल। फिर तुमने क्या कहा? मैंने कहा ठीक है थैंक यू। थैंक यू तो उसे कहना चाहिए था। उसने मुझसे पूछा इसलिए थैंक यू कहा उसको। अरे अच्छा। Excuse me. मेरी बहन का फोन है। हेलो। हाँ क्या बना? तुम जाग रही हो? मैं पूछ रही हूँ क्या बना, कामयाब हो गए ना? कामयाब? अब मीटिंग अभी चल रही है, थोड़ी देर में खत्म हो जाएगी। छुपा रहे हो? आ रहा हूँ थोड़ी देर में। सॉरी उसका फोन ना उठाऊं तो गुस्सा होती है। तो आप बता रहे थे कि वो एमफिल करने लंदन जा रही है। वो बात तो हो गई यार, तुम बताओ अगर शादी तय हो जाती है तो लंदन जाओगे? जी नहीं। जी हाँ। अरे अभी अंदर ही तो मानकर आयो के साथ जाओगे। वो तो जाऊंगा लेकिन अच्छा नहीं लगता कि बीवी पढ़ने लंदन जाए और शोहर बॉडीगार्ड की तरह उसके साथ चक्कर है। दिल नहीं मानता लेकिन बात मान गया हूं। That's like a man. तो भी ठीक है, कल सुबह 9 बजे ऑफिस में मिलते हैं, और जाते हुए खुशखबरी लेकर जाओ कि हम दोनों को तुमसे मिलकर खुशी हुई है और हमें इस शादी पे कोई एतराज नहीं है। थैंक यू सर। उसे भी जाकर बता दो, खुश हो जाएगी। जी। अरे ये कौन आ गया? बुआ जरा देखो तो कौन आया। अब मैं चलूं? बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। चलो मैं ड्राइवर से कह दूंगा तुम्हें छोड़ा। अरे नहीं सर, 4 गलियां छोड़कर तो मेरा घर है, मैं चला जाऊंगा। उसको कह दिया है, सुनकर खुश हो गई है। क्या हुआ? वो फिर आ गए। कौन आ गए? वो जो पहले भी आए थे। नाम बताओ उनका। नाम जब याद नहीं मुझे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वो बाहर का गेट खुलवा दें, गाड़ी खड़ी है बाहर। जाओ जाके गेट खुलवा। हमें तुम देखते ही भाग गई। आ गई हैं। ये हमारे मेहताब भाई हैं। ये कौन है? अफजल। ठीक है अफजल आप जाओ। Nice to meet you.
सेम हियर। अब क्या हुआ? वो आ गया है। तुम शायद ये कहना चाह रही हो कि वो चला गया है। बिल्कुल भी नहीं, मैं यही कह रही हूं कि वो आ गया है अपनी अम्मी के साथ। अरे अम्मी भी पहुंच गई? तुम एक बार ये तो पूछ लो कि मैं किसकी बात कर रही हूं, किसके बारे में बात कर रही हो? महताब चावला की। उसकी अम्मी साथ आई है और दोनों ने ऐसी शक्लें बनाई हुई है जैसे अब मरे के तब। बल्कि अगर अब्बा ने दूसरी मरतबा इनकार कर दिया तो आंटी शगुफ्ता नहीं रहेंगी। वो क्यों रहेगा कमबख्त? जाकर उसका मुंह देखो, उसे दोबारा मरने की जरूरत नहीं है। मुनासिब यही है कि आज रात आप आराम करें, कल बैठ के कर लेते हैं बात। आराम से सब खाक में मिल गया भाई साहब। जरा इसकी शक्ल तो देखिए, 3 दिन से सोया नहीं है ये। बुरी बात बेटा, सोना तो जरूरी है बहुत। आप इसे वो गोली दीजिए ना, क्या नाम था उसका, खैर नाम को छोड़िए, अभी खाएगा ना तो फिर कल दोपहर को उठेगा बिल्कुल फ्रेश। पड़ी है मेरे पास, लाऊं? 10 तरह की गोलियां लाकर दी है मैंने इसे। मिन्नत की हाथ जोड़े खा लो बेटा, थोड़ी देर सो जाएगा तो सुकून मिल जाएगा। लेकिन जानती है क्या बोला? क्या कहता है? कि यहाँ सीने पे गोली खाऊंगा तो सुकून मिलेगा। अरे आप रो क्यों रही हैं भाभी, प्लीज हौसला कीजिए। हौसला नहीं दीजिए भाई साहब, अपना फैसला बदल लीजिए। साहब से कहा ना कल बात करेंगे। आप कहते हैं तो मैं फरा की मिन्नत कर लेती हूँ भाई साहब, पैर पकड़ लेती हूँ उसके। इसने अनजाने में कोई गलत सलत बात उससे कर दी है तो माफी मांग लूंगी मैं उससे। अरे नहीं नहीं, कैसी बातें कर रही हैं आप? भाई साहब हमें उसकी हर शर्त मंजूर है। अगर वो पढ़ाई के लिए लंदन जाना चाहती है तो हमें कोई एतराज नहीं है। ये नहीं जाएगा उसके साथ, सिर्फ 2 साल की तो बात है, ये कर लेगा इंतजार। वो तो ठीक है, लेकिन अब कोई और है जो जा रहा है उसके साथ। ये भी अच्छा है, भला पराए मुल्क में लड़की अकेली क्यों जाए, किसी को तो साथ जाना चाहिए। आप मेरी बात समझ नहीं रही हैं, हमने कुछ और तय कर लिया है, बात भी हो गई है, फरा भी खुश है बहुत। बताइए क्या तय कर लिया आपने? कल करेंगे ना बात, इसकी हालत ठीक नहीं लग रही है मुझे। महताब कुछ बोलो ना बेटा। जी। महताब तुमने कुछ खाया? कहाँ, परसों शायद कुछ खाया था इसने। क्या खाया था बेटा? अरे हाँ, मैं अब्दुल्ला शाह गाजी के मजार पे गई थी, वहां से तबर्रुक के चावल लाई थी, तबर्रुक के लालच में इसने खा लिए थे। तो पानी पीता है बस। खाना नहीं खाओगे? चलो उठो अभी के अभी, जाओ और जाके खाना खाओ। उठो इरशाद से ले जाओ और ले जाके इसे खाना खिलाओ। आओ बेटा, इसे छोटी छोटी बातों पर खाना थोड़ी। चलो भाई साहब, खुदा के लिए रहम कर दीजिए, जरा हालत तो देखिए उसकी। कहा ना कल करेंगे बात, अभी आप जाइए खाना खाइए और आराम कीजिए। नहीं, मैं पहले फरा से मिलूंगी। जरूर मिलिए, मगर देखिए मिन्नत मत कीजिएगा उसकी। जी। मैं सुबह आपके अब्बा से मिलने नहीं जाऊंगा। फिर क्या करोगे तुम? मैं ये नौकरी छोड़ दूंगा। क्यों? मैं बेवफाई नहीं करूंगा। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। ये तो नरी बदमाशी हुई ना, शादी से इनकार किया तो अपनी अम्मा को लेकर घर पहुंच गया।
यहाँ रहेगा, आंखों के सामने फिरेगा और राज चलती का हाथ पकड़ेगा। अरे वाह, अब क्यों हाथ पकड़ेगा? अगर कहीं गलती से पकड़ भी ले तो देना एक उल्टे हाथ की। हाथ वाला ऑप्शन तो अब गया, अब तो कोई चीज उठाकर मारूंगी उसके सर पर, फिर इतना हंगामा करूंगी कि अब्बा पुलिस बुलाएंगे। सोच लो। सोच लिया, फिर शक्ल ना देखना उसकी। अल्लाह ना करे। इसे क्यों कह रही हो कि शक्ल ना देखना उसकी? तरस आ जाएगा तुम्हें, मैंने तो आज देखा है फरा, मोहब्बत में हार जाने वालों की शक्ल कैसी हो जाती है। तौबा तौबा, लटका हुआ मुंह, पिचका हुआ चेहरा और मरी हुई आंखें। फिर तो देखूंगी एक बार। एक बार नहीं, 100 बार देख। उसका चेहरा ही तो दिखाने आई हूँ मैं तुम्हें। वो आंटी, आई एम सॉरी, वो क्या है कि आप बैठिए ना प्लीज। अब आई हूँ तो बैठी रहूंगी तुम्हारे घर पर, इनकार सुनकर नहीं जाऊंगी मैं। मैं करूं भी तो क्या करूं, एक ही एक तो बेटा है मेरा और मैं उसे यूं मोहब्बत में मरता हुआ नहीं देख सकती। तुम उसे कमीना कहो या नाकाम आशिक समझो, या फिर ये कहो कि तुम्हारी आंखों के सामने फटता हुआ तुम्हें बुरा लगेगा, जो दिल चाहे कहो बेटा, लेकिन डूबते हुए को हाथ पर मारने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन एक बात की गारंटी दे रही हूं तुम्हें, राह चलती का हाथ नहीं पकड़ेगा वो। हाथ पकड़ने वाला ऑप्शन तो तुमने छोड़ा ही नहीं। तुम्हारे अब्बा से बात हुई है मेरी, उन्होंने कहा है कि वो कल बात करेंगे। मैं रात भर जाके कल होने का इंतजार करूंगी। खुदा जाने वो बेचारा रात कैसे गुजारेगा। अफजल का फोन है। हेलो, अफजल बोल रहा हूँ। मालूम है, बोलो। मैं सुबह आपके अब्बा से मिलने नहीं जाऊंगा। शाबाश, कोई आइडिया सोच लिया इसने। फिर क्या करोगे तुम? मैं ये नौकरी छोड़ दूंगा। कौन सी नौकरी? यही 2 लाख महीने वाली। क्यों? मैं बेवफाई नहीं करूंगा। क्या कह रहे? कह रहे मैं बेवफाई नहीं करूंगा। हेलो, ये लुबना से क्या कहा तुमने? अकेले मझदार में छोड़कर जाओगे मुझे? हाँ समझ गई, तुम्हें नजर आ गया होगा कि मेरी नैया किनारे लगने वाली है, तो तुमने बैठकर सोचा होगा लड़की को ब्लैकमेल करते हैं। पैसे बढ़ाने थे तो साफ साफ बोल दिया होता, 2-4 लाख तो अपने ऊपर से बार कर फेंक देती हूँ। बोलो कितने पैसे? अरे नई कीमत बताओ अपनी, और याद रखना अब की बार जो अमाउंट तय होगी उससे भागने नहीं दूंगी तुम्हें। बोलो बोलो। अरे बोलो ना। अब शर्मा रहा, मौलवी का बेटा है ना, थोड़ी बहुत शर्म तो आएगी, बट नो प्रॉब्लम, तुम बेशरम होकर मांगो। बोलो। अरे फोन काट दिया। ऐसी घटिया बातें करोगी तो क्या वो सुनता रहेगा? कितने पैसे दिए उसको, या फिर उसने कोई 10 रुपए मांग लिए जो इतना कर रही हो? याद कीजिए फरा इब्राहिम साहिबा, अभी तक वो बगैर तनख्वाह के काम कर रहा है। एक फूटी कौड़ी आपने दी है ना उसने मांगी है। सेलफोन और सूट बूट जो लेकर दिए वो आपकी प्रॉब्लम थी, उसकी डिमांड नहीं थी। फिर भी ये सारी चीजें वो अंदुल तलब आपको वापस दे देगा, ये मैं गारंटी देती हूँ। Thank you.
तो फिर बताइए जरा, इस तरह की मुगलजात बोलने का क्या हक है आपको? और फिर ऐसी तो कोई डील नहीं हुई थी जिसमें वो आप पर मेहरबानी करेगा और आप उसे बदतमीजी करेंगी। और बदतमीजी क्या, आप तो सीधे सीधे उसे गाली दे रही हैं। मुझे लगा वो अपने पैसे बढ़ाने के लिए इनकार कर रहा है। जी नहीं, वो अपनी जान छुड़ाने के लिए कर रहा है इनकार। हर 5 मिनट बाद आप नई मनसूबाबंदी करती हैं और हर 6 मिनट सिचुएशन चेंज हो जाती है। क्या करे वो बेचारा, रात को आप मोहब्बत करने का प्लान देती हैं और सुबह चाहती हो नफरत की परफॉर्मेंस दे। तय हुआ था कि 4 महीने आपको टूटकर चाहेगा और आप चौथे ही दिन ये तकाजा कर रही कि आपसे बेवफाई करे और भाग ले। ऐसा नहीं होता फरा, कोई मंझा हुआ एक्टर भी ऐसी परफॉर्मेंस नहीं दे सकता, लेकिन फिर भी वो परफॉर्म कर रहा है, चुटकी में सिचुएशन को हैंडल कर लेता है। बैठकर सोचो जरा, तुमने अब्बा जैसे आदमी के सामने उसको लाकर खड़ा किया और कहा कि साबित करके दिखाओ मैं फरा को डिजर्व करता हूँ। तो क्या उसे साबित नहीं किया कि तुम्हें डिजर्व करता है? अब्बा तो उसके गुण गा रहे हैं, और अम्मा जैसी ठस्सा देकर बात करने वाली औरत भूल गई कि उस गरीब की हैसियत क्या है। इससे ज्यादा क्या करेगा वो, मुंह से आग निकाल कर दिखाए। सच बताऊं, मुझे मेहताब के आने का गुस्सा था, वो मैंने उस पर निकाल दिया। खैर, तुम्हारा काम तो हो गया। कैसे हो गया? उसने कहा वो बेवफाई नहीं करेगा। बेवफाई हो गई उसने जब कह दिया कि वो अपनी नौकरी छोड़कर अपनी दुनिया में वापस जा रहा है, मतलब तुम्हारी दुनिया से तो चला गया। तुमसे तो कर गया ना बेवफाई, अब तुम बैठ कर बेवफाई के बाद की मंसूबा बंदी करो, रोकर दिखाओ, चूड़ियां तोड़ दो। नहीं शायद, ये चूड़ियां तोड़ने वाला केस नहीं है, बस रोना ही काफी होगा। कल से तुम अपने कमरे में दुबक कर बैठ जाओ और फुसा फुसा कर रोती रहो। पागल हो गई हो क्या? मैं रोंगी तो अब्बा गुस्से में उसके घर नहीं पहुंच जाएंगे, जान से मार देंगे उसे। सर ये तो सोचो, अगर ऐसा हुआ तो उस कमीने मेहताब का केस कितना स्ट्रांग हो जाएगा। तो फिर क्या करना चाहिए? फोन लगाओ उसे। फोन पर क्या कहोगी? अरे मैं कुछ नहीं कहूंगी, तुम करो बात और कहो मत करे बेवफाई, अभी करता रहे मोहब्बत। नहीं उठा रहा। सो गया होगा। इम्पॉसिबल, इतनी इंसल्ट के बाद कोई आदमी मर सकता है? सो नहीं सकता। छत पर चले। क्या? आज मैं सारी रात चिल्ला करूंगी, फोन पे फोन करूंगी, जब तक वो फोन नहीं उठाएगा, बात नहीं करेगा, छत पे टहलती रहूंगी। वाओ, क्या चिल्ला है भाई? मैं बहुत गिल्टी फील कर रही हूँ लुबना, जब तक उसे सॉरी नहीं कहूंगी मैं चैन से नहीं बैठूंगी। आई अप्रिशिएट दैट, लेकिन मुझे नींद आ रही है फरा, सुबह यूनिवर्सिटी जाना है मुझे। मुझे छोड़ के कैसे जा सकती हो तुम? मेरे गम में एक रात जाग नहीं सकती? आई एम सॉरी स्वीट हार्ट, लेकिन मैं उस गिरोह में शामिल नहीं हो सकती जिसकी सगना लोगों की इज्जत का जनाजा निकालकर कहे कि मैं अपने किए पर शर्मिंदा हूँ। अब मैं बहुत प्यार से बात करूंगी उसके साथ। तुम्हारी तुम्हारी कसम। तुम करती रहो। लगता है नींद की गोली खा ली उसने। नहीं नहीं, नाराज हो गया है बस, इतनी इंसल्ट के बाद नींद कैसे आती है। तुम फोन करो। अच्छा ठहरो, SMS करो और लिखो कि अगर तुमने जवाब नहीं दिया तो मैं तुम्हारे घर आ रही हूँ। फिर भी ना उठाया तो?
तो समझूंगी नींद की गोली खाकर सो गया कमबख्त। कमबख्त? अरे प्यार से कह रही हूं। हो गया। क्या कर रहे हैं आप? मैं कर ही क्या सकता हूँ। घड़ी देखिए प्लीज, रात के 2 बज रहे हैं। तो आपकी घड़ी पे भी बज रहे हैं। वैसे मैं हार्मलेस आदमी हूँ, आपके लिए मेरा होना या ना होना कोई मैटर नहीं करता। आप प्लीज अपने कमरे में जाइए और जाकर चैन से सो जाइए। चैन तो दोनों तरफ नहीं है, मैं भी जाग रहा हूँ, आप भी जाग रही हैं। 11 बजे से बैठा हूँ। दुआ की थी कि अगर मेरी मोहब्बत सच्ची हुई तो 3 घंटे के अंदर आप छत पर आ जाएंगे। और पता है, जब आप छत पर आईं तो वक्त पूरा होने में 5 मिनट बाकी थे। कराची में दिमाग के अच्छे डॉक्टर नहीं होते क्या? होते हैं, मगर मेरे वाला डॉक्टर हैदराबाद में होता है। आपकी दुआ कबूल हो गई? जी हो गई। तो फिर चले जाइए ना, हम दो लड़कियां छत पे कुछ जरूरी काम से आई हैं। मुझे माफ कर दीजिए, मैं इस झूले से नहीं उठूंगा। क्यों नहीं उठेंगे? 2 दफा इस झूले पर मेरे साथ बैठी हैं आप। ये झूला मेरे लिए अकीदत की जगह है फरा साहिबा। तो फिर ये झूला हमने आपको दिया, इसे उठा के गाड़ी में रखिए और ले जाइए अपने साथ। अरे कमाल करती हैं आप भी, एक बस झूले का क्या करूंगा मैं, अकेले बैठकर देखा है मैंने। कब से पूछ रहा है तेरा हम सफर कहाँ है? कौन कौन पूछ रहा है? ये बात कहाँ समझेंगी आप, ये तो उनसे पूछिए जिन्हें रास्ते में खबर हुई कि ये रास्ता कोई और है। मैं जा नहीं रहा हूँ, मुझ पर वाजिब है कि मैं जी भर कर उस फिजा में सांस लेता रहूँ जिसके दामन में आपकी खुशबू फैली हुई है। या अल्लाह मेरी दुआ कबूल कर ले। क्या दुआएं कर रहे हैं आप? ये नहीं बताऊंगा। मत बताइए, लेकिन खबरदार जब अपनी दुआओं में मेरा जिक्र भी किया तो। फोन आ रहा है उसका। अरे तो बात करो ना उससे, लाओ मेरी बात कराओ। मेहताब के सामने? तो मैं कोई डरती हूँ किसी से? हेलो फरा बोल रही हूँ, सुन रहे हो ना? बस प्यार से हूँ कह दो, मैं समझूंगी सुन रहे हो। तो बस गुस्सा थूक दो, वो जो मैंने बकवास की थी ना उसके लिए सॉरी बोल रही हूँ। बस तुम प्यार करते रहो मुझसे, इतना प्यार करो कि देखने और सुनने वाले जल जल कर मर जाएं। पीयूफआई का प्लान अभी कैंसिल, मेहताब का बच्चा चला जाए फिर करेंगे बात। तुम सुन रहे हो ना? लो तुम करो बात। अब पूछना मैंने जो बातें कही हैं वो सुन ली है ना उसने? और हाँ, वो जो मैंने सॉरी बोला उसके जवाब में इट्स ओके नहीं कहा इसने। हेलो मैं लुबना बोल रही हूँ। आई नो सॉरी के जवाब में इट्स ओके क्यों नहीं कहा तुमने? इट्स ओके कह दिया। सुनो फरा जब तक मुश्किल में है प्यार करते रहना तुम उससे। करता रहूंगा, लेकिन वो मुश्किल में क्यों है? अरे वो मेहताब और उसके मी फिर से आ गए ना, तुमसे मिला तो था वो। अरे वही जिसे गेट पर हाथ मिलाया था तुमने, वो है मेहताब। और नहीं तो क्या? कह दो उसे कि कल उसे 2 लाख का चेक भी दे दूंगी। सुनो वो कल चेक भी दे देगी तुम्हें। किस बात का चेक? अरे एडवांस में पहली तनख्वाह दे रही है तुम्हें।
ओ तुम खुश तो हो ना? खुश तो बहुत हूँ, लेकिन एक बात पूछूं आपसे? हाँ हाँ पूछो। वो किसी और से भी मोहब्बत करती है क्या? मेरा मतलब है वो किसी से मोहब्बत करती है? सॉरी। अब सॉरी क्यों कह रहे हो? मुझे लगा मुझे ये नहीं पूछना चाहिए था। नहीं नहीं पूछो, लेकिन इसका जवाब नहीं है मेरे पास। मेरी इत्तला के मुताबिक वो माइकल लाल अभी तक पैदा ही नहीं हुआ। तो फिर मैं कल आपके अब्बा से मिल लूं? वो पूछे कल वो अब्बा से जाकर मिले। हाँ मिले ना, और कहो अब्बा से बात पक्की कर आए। मैंने सुन लिया। और पूछिए अगर उन्होंने मेरे अम्मी अब्बा को आने को कहा तो ले आना, इसमें क्या मुश्किल है। ओके गुड नाइट। गुड नाइट। लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। आजकल कोई ख्वाब वगैरह नहीं देखती हो तुम? तहिया कर लिया है कि नहीं देखूंगी, और अगर कोई बेवकूफ गलती से दिख जाए तो हाथ जोड़कर उसे कहूंगी जाओ मियां कहीं और जाकर देखो, यहां तुम्हारे पूरा होने की कोई उम्मीद नहीं। बात को कैसा घुमा फिरा देती हो तुम? कैसे भला? साफ ही कहो कि हकीकतें देखकर डर गई हो। अल्लाह ना करे, उसकी बड़ी मेहरबानी है, सब कुछ बहुत अच्छा है, डरने की क्या बात हुई भला? बेटा अब तुम्हारा नौकरी पर नहीं रहा, मैंने सोचा हकीकत छुपा लेती हो तो चलो ख्वाब ही सुना दिया करो। वो भी कोई छुपाने या फिर बताने की बात थी? खैर से क्या क्लर्क भर्ती हुआ, हुआ ना हुआ एक बराबर। सोचती थी कि क्लर्की से शुरू करेगा तो हजरत साहब की पेशगोई का क्या होगा, 100 सालों में पूरी होगी शायद। इंशाल्लाह अब करेगा कोई ढंग का काम तो देखना, उम्मीद भी जाग जाएगी। फिर ये रोजाना 8:30 बजे निकल कर जाता कहाँ? अब घर तो नहीं बैठा रहेगा ना, जाता है अपनी किस्मत आजमाने, अब अपने बल पर ढूंढेगा कोई नौकरी। भरोसा नहीं है ना उस पर। उस पर तो है लेकिन तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं। भरोसा कायम करने के लिए जरूरी नहीं है कि सब छोटी बड़ी बातें मैं आपके कानों में डालती हूं। बात तो बड़ी थी, तुमने की तो छोटी होगी। आजकल वो नौकरी ढूंढ रहा है या छोकरी, ठीक तरह से याद कर लो, हो सकता है मुंह से छोकरी की बजाय नौकरी निकल गया हो। तो सब मालूम है आपको? अल्लाह वाले लोग हैं बीबी, खबर ना मिले तो खबर हो जाती है। बस ये पता नहीं चला कि छोकरी कौन है।
आरफा को मालूम। वो नहीं बताएगी। आप पूछो तो कैसे टालेगी? टालेगी तो नहीं लेकिन कसम टूट जाएगी उसकी, इसलिए सोचा कि लालमी में रहूं मगर कसम तोड़ने का गुनाह न करूं। खफा हो? खफा होने के हक से दस्तबरदार हो चुका हूं। सच कहो मौलवी साहब, ये खुश करना शरण जायज है क्या? मोहब्बत में सियासत भी शरण जायज नहीं है, और ये भी जायज नहीं है कि तुम बवक्त जरूरत शरा को बीच में ले आओ। मैं मौलवी होने को रुतबा समझता हूं तो तुम मौलवी होने का ताना दे देती हो। बात अगर छुपाया ना करो तो अच्छा है, इसलिए भी अच्छा है कि बात कहां छुपी रहती है। अब कहो तो माफी मांग लूं। बीवी का माफी मांगना इसकी कोई कदगन नहीं है, पर अगर मां बनकर माफी मांगोगी तो उल्टा मुझे फंसवाओगी। सरकार को ये बात अच्छी न लगी तो जिंदगी भर की रियाजत गारत हो जाएगी। तो फिर एक कॉम्प्लीमेंट सुन लो। सुनाओ। मैं मौलवी होने को रुतबा समझती, चाहो तो कसम ले लो। नाश्ता करोगे? नहीं, चाय पीऊंगा। तो पहले चाय पी लो। पता है कल एक अजीब सा ख्वाब देखा मैंने। मैंने देखा कि तू कराची जाने वाली ट्रेन में बैठा है। तुझे तो वही ट्रेन नजर आएगी जो कराची जाती है। ट्रेनें तो रोज जाती हैं यार, मैं कभी गया हूं कराची? अच्छा चल ख्वाब सुना। तेरे साथ एक लड़की को भी देखा मैंने। देखा तो पहचान लिया। कौन थी वो? नहीं थी जो तुम्हें खत लिखती है। तुझे क्या पता मुझे खत कौन लिखती है? ये तो पता है ना कि वो शेख इब्राहिम की बेटी नहीं थी। क्या बोल रहा है? ख्वाब में वो थी तुम्हारे साथ और ऐसे घुल मिलकर बैठी थी जैसे बड़ी शनासाई हो तुमसे। कौन से वाली? वो बड़ी वाली, उसका नाम नहीं मालूम। फरा। बे ओए, इसका नाम नहीं रहता किसी का। देर हो रही है मुझे, चाय तो पी लो। मर गई।
जल्दी जल्दी आराम से करो छोड़ो मुझे आंटी कुछ नहीं होगा उसे ठीक हो जाएगा भाभी भाभी सबर कीजिए आंटी संभालो भाभी भाभी कुछ नहीं होगा आंटी 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 भाभी आंटी तुम सर पे क्यों खड़ी हो जाओ पानी लेकर आओ भाभी भाभी होश कीजिए भाभी इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा उसे होश कीजिए भाभी होश कीजिए इंशाल्लाह अच्छी खबर मिलेगी कुछ नहीं होगा उसे भाभी भाभी मेरा बच्चा सांस चल रहा है उसका ज्यादा खून नहीं बहने दिया अपने दुपट्टे से कसकर कलाई बांध दी उसकी उठे भाभी मैं क्या करूं क्या हुआ इन्हें नस काट ली है इसने अटेम्प्ट टू सुसाइड जी ये तो पुलिस केस है ये डॉक्टर का केस है दुपट्टा बांधने से पहले खून के फवारे छूट रहे थे लेकिन वो तो ठीक है मगर पुलिस को तो इन्फॉर्म करना पड़ेगा ना आप इसको जिंदा कीजिए फिर पुलिस को इन्फॉर्म कर लीजिएगा नर्स तो चल रही है वो तो चलेगी जरा मोहतात किस्म की सुसाइड है आप जरा होश में लाइए इसे नर्स ड्रिप लगाए ना कितनी देर लगेगी योगी 15 मिनट लेकिन ये है कौन साहब हमारे गेस्ट है कराची से आए हुए शक्ल से तो लगता है कि अच्छे घर के हैं बहुत अच्छे घर के हैं लेकिन खुद बहुत बुरे खुदकुशी क्यों की ये तो पुलिस आकर पूछेगी देखिए घर की बात है पुलिस को बताने की क्या जरूरत है आंखें खुल दी इनकी आंखें तो हमारी भी खुल गई हैं मैं कहाँ हूँ ये तो आप ही बताइए कहाँ हैं आप अगर जिंदा हैं तो मैं बता देती कि अभी तक हैदराबाद में और अगर मर चुके हैं तो हिसाब किताब के बाद पता चलेगा मैं क्यों जिंदा हूँ क्योंकि नस को ठीक से काटा ही नहीं आपने चलिए डॉक्टर साहब पुलिस को बुलाइए पुलिस क्यों कानूनी मामला है खुदकुशी के अटेम्प्ट में दो ही तरह की सहूलतें मिलती हैं मर गए तो अल्लाह के पास बच गए तो पुलिस के हाथ मुझे मार डालिए डॉक्टर साहब घबराइए मत अब्बा पहुंचने वाले मार डालेंगे इंशाल्लाह या अल्लाह मैं अंकल को क्या जवाब दूंगा अंकल को भूल जाइए ये सोचिए कि पुलिस वालों को क्या जवाब देंगे बचने की सजा मरने की सजा से ज्यादा है अम्मी अम्मी तो गश खाकर ही गिर पड़ी थी अब अल्लाह जाने जानवर हुई या नहीं ये सब बता रही डॉक्टर साहब मैं अम्मी के पास जाऊंगा वो तो आप रिहाई के बाद ही जाएंगे अभी जमकर लेटे रहेंगे लो अब्बा आ गए जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला देखो जो होना था वो तो हो गया अब तुम वो करो जो होना चाहिए 10 मिनट मिल सकते हैं मुझे तुम्हारे इनकार की वजह से अब्बा सोच में पड़ गए खुदा ना खास्ता अगर उन्होंने मेहताब के हक में वोट दे दिया तो मैं तुम्हें बद्दुआ दे दूंगी मुझसे डर के रहो वरना मैं कह दूंगी कि तुम्हें वो लड़की कभी ना मिले जो तुम्हें खत लिखती है जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला
जब कलियां मांगी कांटों का हार मिला, जाने वो कैसे लोग थे जिनके